नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए सफलता की ओर अग्रसर हैं। कल हमने जो है महामैराथन रीजनिंग की पहली क्लास लाया था, जिसमें हमने क्लॉक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। तो अभी तक मैं दो मैराथन क्लास ले चुका हूं, जिसमें पहली मैराथन क्लास में आपका डायरेक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है, दूसरी मैराथन क्लास में आपका क्लॉक चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है। इसी तरह मैं जो है मैराथन क्लास बीच बीच में देता रहूंगा, जिससे कि आपका कोर्स जल्दी कवर हो जाए। ठीक, जहां तक कि मेरा जो टारगेट है वो सितंबर लास्ट है, क्योंकि जो सीएचएसएल या कोई भी एग्जाम होना है वो सितंबर में ही होना है। तो सितंबर लास्ट तक हमारा प्रयास ये रहेगा कि सितंबर लास्ट तक जो है आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सी क्लास कितनी देर तक चलाता हूँ, कब तक जो है पूरा करता हूँ, कैसे पूरा करता हूँ, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। आपका केवल कर्तव्य बनता है कि आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया कीजिए। जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम भी जो है आपके प्रेम और स्नेह से बंधे रहेंगे और आपको निरंतर जो है कुछ ना कुछ देते रहेंगे। तो हम लोग जो है अपने उसी क्रम में आज अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कैलेंडर। आज हम लोग कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। और कैलेंडर में सबसे पहला प्रश्न जो बनता है कि कैलेंडर कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि कैलेंडर कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से एक बार कमेंट में आ जाइए। हेलो महेंद्र, दिलीप, आशीष, अंकित, गुड मॉर्निंग। आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इसी प्रकार सपोर्ट करते रहा कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर कैलेंडर। तो देखिए, कैलेंडर में सबसे पहली चीज तो कैलेंडर कितने प्रकार का होता है। तो कैलेंडर आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य कैलेंडर और एक होता है लीप वर्ष या लीप कैलेंडर। ठीक, हाँ, एक आपका सामान्य वर्ष होता है और एक आपका लीप वर्ष होता है। ठीक, कैलेंडर आपके दो प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। देखिए, बच्चे जो है ज्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सामान्य वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप लीप वर्ष को समझ लेंगे तो सामान्य वर्ष तो फिर उसके अलावा जो बचा वो सामान्य वर्ष है। तो सबसे पहला प्रश्न अगर हम देखें कि लीप वर्ष आपका क्या है, तो इस पे हम चर्चा करें कि लीप वर्ष क्या है। तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि वर्ष की आखिरी दो अंक यदि चार से विभाजित होता है, चार से विभाजित होता है तो वह लीप वर्ष होता है। ठीक, पहली चीज कि अगर आखिरी दो अंक चार से विभाजित रहेगा तो वो जो वर्ष रहेगा वो आपका लीप वर्ष रहेगा। मतलब अगर कोई पूछ ले कि 1992 ये आपका लीप वर्ष है या नहीं है, तो आप कुछ मत कीजिए, आखिरी दो अंक लीजिए, इसको जब चार से भाग करेंगे तो 4 × 8 = 4 = 12 अर्थात पूरी तरीके से कट गया, इसलिए ये लीप वर्ष है। फिर देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1998 आपका लीप वर्ष है या नहीं है, तो दो अंक लीजिए, 4 से भाग दीजिए, तो देखिए जो है 4 × 8 = 4 = 16 अर्थात नहीं कट रहा, अर्थात लीप वर्ष नहीं है। उसी तरह अगर आप 2004 लेंगे तो 2004 को जब दो अंक लेकर के 4 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, अर्थात लीप वर्ष है। मतलब क्या हुआ कि लीप वर्ष के लिए हम केवल एक चीज याद रखेंगे कि अंतिम दो अंक 4 से
से विभाजित करेंगे, अगर विभाजित हो जाएगा तो वो लीप वर्ष है। अब जैसे मैंने कहा कि विभाजित हो जाएगा तो वो लीप वर्ष है, तो कुछ लोग कहेंगे सर जी 1900, तो 1900 को अगर आप 4 से भाग करोगे, अर्थात 2 जीरो को 4 से भाग करोगे, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी 0 मतलब कि 4 से भाग जाने ये हो गया, शेषफल हमको 0 मिल गया, अर्थात ये लीप वर्ष है। लेकिन अगर आप शताब्दी की बात करेंगे, सैकड़ा की बात करेंगे, ये आपकी 19वीं शताब्दी है। देखिए 1800 मतलब 18वीं शताब्दी, 1900 मतलब 19वीं शताब्दी, 2000 यानी 20वीं शताब्दी, 2100 यानी कि 21वीं शताब्दी, 2200 यानी कि 22वीं शताब्दी, जब अंत में दो जीरो लग जाए, अर्थात शताब्दी वर्षों में यदि वह वर्ष 400 से विभाजित होता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर शताब्दी वर्ष है, जैसे 1900 है, 2000 है, 2200 है, 2400 है, 2800 है, 3200 है, चाहे जो ले लिया, अगर 100 जुड़ गया उसमें, 100 लग गया, तो फिर उसको जो है हम 4 से भाग करके नहीं चेक करेंगे, उसको हम 400 से भाग करके चेक करेंगे। ठीक, तो लीप वर्ष पहचानने का यही दो नियम है। पहला कि हम आखिरी दो अंक 4 से विभाजित करेंगे, उसके बाद फिर हम अगर मान लीजिए दो अंक आखिरी दो अंक 00 है, तो फिर हम 400 से विभाजित करके चेक करते हैं। उसके बाद देखिए, ये तो आपका है कि लीप वर्ष जो है कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं है। अब देखिए, आपको एक चीज तो पता ही होगा कि जनवरी, हम इंग्लिश लेटर यूज कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने महीने होते हैं हमारे पास। अब इसमें से मेन या यही चेंज होता है, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में यही केवल फरवरी आपका ऐसा है जो कि चेंज होता है। फरवरी कभी 28 का रहेगा, फरवरी कभी 29 का रहेगा। ठीक, अगर मैं अभी पूछ लूं कि ये फरवरी जो है 28 या 29 की क्यों हो रही है, तो कुछ लोग जवाब देंगे कि सर जी पृथ्वी एक चक्कर जो है 24 घंटे मतलब कि 24 घंटे कुछ मिनट में या 365 दिन मतलब पूरा एक वर्ष जो होता है हमारा, पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगाती है 365 सही 6 दिन में, मतलब 365 दिन 6 घंटे में। तो कहेंगे कि सर जी हर 5 साल के बाद जो है फरवरी 29 की रहती है, क्योंकि 6-6 वर्ष आपका बढ़ता जाएगा। भाई यही तो है कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। तो कहेंगे सर जी ये 6-6 घंटे बढ़ते बढ़ते 4 साल तक बढ़ेगा, तो 6-4 = 24 घंटा हो जाएगा, अर्थात एक दिन बढ़ जाएगा। तो मैं प्रश्न करूंगा कि अगर एक दिन बढ़ेगा तो बेचारे फरवरी में काहे को जोड़ दिए उसको, हम उसको जनवरी में जोड़ सकते थे, हम उसको मार्च में जोड़ सकते थे, हम उसको अप्रैल में जोड़ सकते थे, हम उसको किसी अन्य महीने में जोड़ सकते थे, लेकिन हमने फरवरी में ही क्यों जोड़ा, फरवरी में ही क्यों जोड़ा गया। तो मैं आपको बता दूं कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कैलेंडर बना था, तो उसमें जो पहला महीना था ना, पहला महीना आपका मार्च का था, इसीलिए भारत सहित अन्य देश भी जो है 1 मार्च को नया मतलब न्यू ईयर मनाते हैं, 1 मार्च को न्यू ईयर मनाते हैं। तो मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहला महीना मार्च का था और 10वां महीना दिसंबर का था। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी कैसे 10वां महीना कैसे दिसंबर का हो गया, तो मैं आपको एक प्रमाण देता हूं कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं इंटर की, तो उसमें पढ़ते हैं कि 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 के लिए डेक का मतलब 10वां महीना आपका दिसंबर का था, 9 के लिए नॉन का मतलब 9वां महीना नवंबर का था, 8 के लिए ऑक्ट का मतलब 8वां महीना अक्टूबर का था, और 7 के लिए सेप्ट का मतलब 7वां महीना सितंबर का था। लेकिन हुआ क्या, जब इस तरह से देखा गया तो देखा गया कि 59 दिन का हेर फेर हो रहा है, देखा गया कि 59 दिन का हेर फेर हो रहा है इस कैलेंडर में, जो कैलेंडर बनाया गया था उसमें 59 दिन इधर उधर हो रहा था। इसी की वजह से 2 महीना जोड़ा गया जो कि आपका जनवरी और फरवरी, मतलब 11वां महीना आपका जनवरी था और 12वां महीना आपका फरवरी था। तो जनवरी और फरवरी जोड़ दिया गया तो जिसमें इसमें 31 दिन जब रखे गए, क्योंकि दिसंबर हमारा 31 का था, जिस क्रम में चल रहा था उसी क्रम में जनवरी को 31 दिया गया, उसके बाद जितना बचा उसको फरवरी में रख दिया गया। तो जो फरवरी था हमारा लास्ट का महीना था, जैसे कि जब हम कुछ बांटते रहते हैं लाइन में खड़ा है कोई, तो जब जो सबसे लास्ट में रहता है उसको सब दे देते हैं जितना बचता है, तो उसी तरह फरवरी को जितना बचा उतना सब दे दिया गया, अर्थात फरवरी के हिस्से में केवल 28 ही आया। तो इसीलिए जो है जो ये एक दिन बढ़ता था उसको किस में रखा जाता था, 28 में। फिर जब आधुनिक कैलेंडर बना तो यही दोनों उठा करके, इसी दोनों को उठा करके आगे कर दिया गया और बन गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये था। इसके बाद एक चीज और जान लीजिए आप लोग, अभी हम लोग केवल बेस देख रहे हैं कैलेंडर का, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई चीज समझें, अगर आप बेस से समझेंगे तो पूरा आपको तैयार रहेगा और कभी भूलेगा नहीं। तो अगर हम इसके बाद की बात करें तो एक चीज देखिए, सामान्य वर्ष में 1 तारीख को अर्थात 1 जनवरी को, 1 जनवरी और 31 दिसंबर ये दोनों दिन समान होते हैं, समान दिन होते हैं। मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो है इस दोनों दिन समान दिन होगा। अगर किसी सामान्य वर्ष में मान लीजिए हम 1993 की बात करें, 1993 मतलब 1 जनवरी 1993 की बात करें कि 1 जनवरी 1993 को सोमवार था, 1 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1993 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 1993 को कौन सा दिन होगा। तो याद रखिएगा, अगर सामान्य वर्ष है, सामान्य का मतलब जैसे 93 है, लास्ट के दो अंक को 4 से भाग देंगे, नहीं कट रहा है पूरा, मतलब सामान्य वर्ष है। और हमने कहा कि सामान्य वर्ष अगर रहेगा तो 1 जनवरी ये आपका 31 दिसंबर के बराबर होगा, अर्थात ये अगर सोमवार है तो ये भी आपका सोमवार होगा। याद रखिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिए, जो मैं बताता हूं एक रफ कॉपी ले लिया कीजिए, उसमें साथ साथ लिखते चला कीजिए। तो हमने क्या देखा कि सामान्य वर्ष है तो जो दिन 1 जनवरी को रहेगा वही दिन 31 दिसंबर को रहेगा। उसी तरह अगर लीप वर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर 1 जनवरी 1992 हमने क्यों लिया, क्योंकि जब 92 को 4 से हम भाग करेंगे तो ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा, 4 से पूरा कट जाएगा, तो इसलिए हमने लीप वर्ष लिया। तो देख रहे हैं अगर 1 जनवरी 1992 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1992 को क्या होगा। तो हम क्या देखिए, अभी हमने बताया कि लीप वर्ष में होता क्या है, केवल 1 दिन बढ़ जाता है, तो जब 1 दिन बढ़ जाएगा तो सोमवार को ना हो करके यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा मंगलवार। कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। मतलब क्या हुआ कि
एक जनवरी और 31 दिसंबर अर्थात एक दिन कैलेंडर बढ़ जाता है। जो कैलेंडर का डेट है, जो दिन है, दिन एक दिन बढ़ जाता है। याद रखिएगा, पहली चीज तो ये याद रखिए। तो हमने आज क्या क्या बताया? पहला चीज तो बताया कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या है। दूसरा चीज हमने बताया कि ये आपका जो फरवरी में जोड़ा गया 28 या 29 फरवरी में क्यों जोड़ा गया। तीसरा चीज हमने बताया कि जो जनवरी एक जनवरी को जो मतलब जो दिन रहेगा वही दिन 31 दिसंबर को भी रहेगा सामान्य कैलेंडर में, जबकि लीप वर्ष में अगर लीप वर्ष रहेगा तो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है अर्थात क्रमागत दिन आ जाता है। मतलब एक को अगर सोमवार तो 31 को मंगलवार, एक को अगर मंगलवार तो 31 को बुधवार, मतलब क्रमागत दिन आ जाता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, इसको सबको आप नोट करते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आगे हम देखेंगे जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक। तो रविवार को एक, सोमवार को दो, मंगलवार को तीन, बुधवार को चार, बृहस्पतिवार को पांच, शुक्रवार को छह और शनिवार को सात। ये आपका कोड है, इसको आप याद रखिएगा। अगर कहीं एक आ जाएगा, अगर कहीं एक आ जाएगा तो वहां पे हम रविवार लिखेंगे, कहीं दो आ जाएगा तो वहां पे हम सोमवार लिखेंगे, कहीं तीन आ जाएगा तो वहां पर हम मंगलवार लिखेंगे, कहीं चार आ जाएगा तो वहां पे हम बुधवार लिखेंगे, कहीं पांच आ जाएगा तो वहां पे हम बृहस्पतिवार लिखेंगे, कहीं छह आ जाएगा तो वहां पे हम शुक्रवार लिखेंगे, और कहीं सात आ जाएगा तो वहां पे हम शनिवार लिखेंगे, ठीक। इतना ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए 1980 से लेकर के 2002 तक कितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं, ठीक। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1980 से लेकर के 2000 तक कितने लीप वर्ष हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, यहां का दो अंक लीजिए, चार से भाग दीजिए, चार दूनी आठ कट गया, मतलब लीप वर्ष है। 80 आपका लीप वर्ष है, इसमें जब आप चार चार वर्ष जोड़ते जाएंगे तो आपको लीप वर्ष मिलता जाएगा। तो 80 के बाद 84, 84 के बाद 88, 88 के बाद 8 4 12 यानी कि 92, 92 के बाद 96, 96 के बाद 92 4 96, 96 के बाद 2000, ठीक। 2000 के बाद फिर चार जोड़ेंगे तो 2004, लेकिन हमको 2002 तक पूछ रहा है, अर्थात 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1980 से लेकर के 2002 तक हमारे पास कितने लीप वर्ष हैं, 6 लीप वर्ष हैं। तो एक बात बताइए आप कमेंट करके कि आपको लीप वर्ष निकालना आया कि नहीं आया। मैं ये मानता हूं कि आपको लीप वर्ष निकालना आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। आगे जैसे हम एक प्रश्न बताते हैं, एक प्रश्न आगे हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 3 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, 3 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, तो याद रखिएगा इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक ट्रिक याद रखिए। एक ट्रिक क्या, 144, 025, 036, 146, केवल आप ही याद रखिए। ये आपका है सामान्य वर्ष के लिए, और जब आप लीप वर्ष करेंगे तो लीप वर्ष के लिए केवल आप यही चेंज कर दीजिए, बस 03 40 25 03 61 46। अब ये बना कैसे, ये कोड तो सब बता देंगे, पूरे यूट्यूब पे ये भरा हुआ है, कोई भी बताता है तो वो यही बताएगा कि यही कोड याद कर लीजिए और आप पता चल जाएगा। ये कोड बना कैसे, इस पर हम कल चर्चा करेंगे,
कि आखिर ये कोड काहे लिए बना, काहे लिए 144 025 036 146 काहे लिए इसको बनाया गया, ये कैसे बन गया, काहे लिए यहाँ पे 144 कर दिया गया, काहे लिए 25 लिख दिया गया, काहे 036 कर दिया गया, इसको हम कल बताएंगे कि ये कोड बनाया कैसे जाता है। तो आज चलिए हम चर्चा करते हैं, करेंगे क्या, सबसे पहले जो दिन लिखा है उसको लिख लीजिए 3, फिर जनवरी है, जनवरी का कोड देख लीजिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1980 अर्थात लीप वर्ष है, लीप वर्ष के लिए जनवरी का कोड है 0। फिर देखिए जो लास्ट का 2 डिजिट है उसको लिख लीजिए 80। फिर इसको 4 से भाग करके लीप वर्ष निकाल लीजिए, 4 × 8 अर्थात 20। निकालने के बाद सब जोड़ दीजिए 3 × 8 = 10 103। इसको आप 7 से भाग दे दीजिए तो 7 × 7 = 3 = 10 = 33, 7 × 4 = 28, 28 × 8 = 13 अर्थात आपके पास आ गया 5। 5 का मतलब है कौन सा दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो 5 का मतलब है शुक्रवार, इसका मतलब कि 3 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ये नियम अभी अधूरा है, इसमें कुछ और बताना है जो कि हम कल बताएंगे, और कल ही एक चीज और बताएंगे कि जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ये इसके आगे का जो क्लास रहेगी वो हमारी कल रहेगी, और आप लोग जो है अपना प्रेम और स्नेह बनाते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।